तो प्रोटीन स्ट्रक्चर टॉपिक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स जो होते हैं इनके चार डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे हैव फोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, चार डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनमें होते हैं, फोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। कौन कौन सा स्ट्रक्चर इनमें होता है? इनमें होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसको हम वन डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टू डिग्री स्ट्रक्चर, थ्री डिग्री स्ट्रक्चर एंड फोर डिग्री स्ट्रक्चर। तो चार स्ट्रक्चर होते हैं, वन डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, टू डिग्री को सेकेंडरी कहते हैं, थ्री डिग्री को टर्शरी कहते हैं और फोर डिग्री को कार्टेशनरी, कॉटनरी स्ट्रक्चर। हाँ जी, कॉटनरी स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। अब देखो, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है, जिसको हमने कहा कि इसको वन डिग्री स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, और ये वन डिग्री स्ट्रक्चर जो होता है ये बना होता है, इट्स अ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये एक लीनियर चेन किनकी है? अमाइनो एसिड्स की एक लीनियर चेन, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। लीनियर चेन का मतलब हो गया कि एक सिट्रेट चेन है, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, दैट मींस एक अमाइनो एसिड बाइंड हो गया दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तो बन गई एक लीनियर चेन, एक सिट्रेट चेन बन गई किनके? अमाइनो एसिड्स की। और इस सिट्रेट तो फॉर्म होता है सब कुछ, हां जी, ये विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ये बन जाता है, जो एक अमाइनो एसिड उसके बाद दूसरा अमाइनो एसिड, तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और जब पेप्टाइड बॉन्ड्स बनने लगते हैं बिटवीन द अमाइनो एसिड्स, तो एक लॉन्ग स्ट्रैंड सा बन जाता है, एक लीनियर सा स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? ओनली पेप्टाइड, हाँ, मेनली इसमें पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। और देखा गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक और बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज सल्फर बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड्स। तो सल्फर बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर में, लेकिन मेनली इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? मेनली इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट। प्रोटीन में पाया जाता है ये वाला सल्फर बॉन्ड? हाँ, देखो सल्फर बॉन्ड लीनियर प्रोटीन्स में भी, जो जो वन डिग्री स्ट्रक्चर, जिन प्रोटीन्स का वन डिग्री स्ट्रक्चर होता है, उनमें हमें देखने को मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज सल्फर बॉन्ड भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में खाली पेप्टाइड बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे इंसुलिन का, अगर हम इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे, इंसुलिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक हार्मोन है, जो प्रोटीन हार्मोन कौन सा है कि प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन, हाँ जी। और ये जो प्रोटीन हार्मोन है, ये बना है तो प्रोटीन का ही, अमाइनो एसिड्स का ही बना है, लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं? हम इसमें देखते हैं कि ये तो लीनियर चेन तो है, ये मतलब लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है, ऐसे ये प्रोटीन जो है लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इसमें है, लेकिन इस इंसुलिन में, बेसिकली इस इंसुलिन में दो चेन्स होती है, ए और बी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन्स दो होती है, ये ए चेन है और ये दूसरी चेन है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है इंसुलिन में, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है इसका। और इन दो चेन्स के दरमियान क्या कौन सा बॉन्ड होता है? सल्फर बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मेथोनिन है, यहां पर सिस्टीन है, तो सिस्टीन के पास भी सल्फर होता है और मेथोनिन के पास भी सल्फर होता है, तो जब ये एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे तो ये एक दूसरे के साथ क्या बना देते हैं? सल्फर बॉन्ड बना देते हैं, जिसको हम सल्फर ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन में नहीं, 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 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक तो पेप्टाइड बॉन्ड आपको मिलेगा, और मेनली हमें पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलता है। लेकिन अब इंसुलिन की बात मैंने की, तो इंसुलिन में सल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, और दोनों कवलेंट बॉन्ड सी है। ठीक है, इतनी बात। तो दोनों में रह सकता है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? बस सल्फर ही रह सकता है इसमें प्राइमरी में। हाँ हाँ, सल्फर ही रह सकता है। सल्फर और सल्फर एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना देते हैं। तो इतनी बात होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर में, इतनी बात होगी कि 1 डिग्री स्ट्रक्चर, लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, और पेप्टाइड बॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं, और सल्फर बॉन्ड्स भी, लेकिन उसकी स्पेशल मैंने एग्जांपल दे दी आपको इंसुलिन। इंसुलिन का स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और इसमें भी कौन सा ये हो जाता है, इसमें सल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो इंसुलिन का जो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली किसने दिया था, ये फ्रेडरिक सैंगर ने दिया था। फ्रेडरिक सैंगर ने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन दिया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसने दिया था? फ्रेडरिक सैंगर। फ्रेडरिक सैंगर ने दिया था। हाँ जी बिल्कुल, सैंगर्स मेथड भी हम एमिनो एसिड्स में पढ़ते हैं। बिल्कुल, वो प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए यूज हो जाता है, या हम पीसीआर में भी सैंगर्स मेथड भी यूज करते हैं वहां पर। अब देखो, एक और चीज जो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में याद रखनी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है और नॉन फंक्शनल भी होता है। मतलब नॉन फंक्शनल इन द सेंस कि ये बेसिकली मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है किनका, प्रोटीन्स का। कौन सा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है हाउ टू फॉर्म द टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। इतनी बात होगी। अब हम चलते हैं किस पर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। तो जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या होता है, इसको हम 2 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस इज नोन एज 2 डिग्री स्ट्रक्चर। बिल्कुल। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, देखो इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसमें बॉन्ड्स पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेन नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज अ मेन नॉन कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये, और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो स्टेबिलिटी टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन देता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो होते ही हैं, प्लस पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो मेन है। तो पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, लेकिन स्टेबिलिटी पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबिलिटी नहीं आती है। स्टेबिलिटी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड से आती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबिलिटी आ जाती है किनकी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। अब देखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 किस्म का होता है। एक तो होता है अल्फा हिलिक्स, मतलब हिलिक्स, एक तो होता है अल्फा हिलिक्स, ठीक है, और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट्स। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स क्या है? दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, एक का नाम है अल्फा हेलिक्स और दूसरे का नाम है बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर हम किसका देखेंगे, अगर हम अल्फा हेलिक्स का देखेंगे, जब हम अल्फा हेलिक्स देखते हैं, तो अल्फा हेलिक्स कैसा होता है? अल्फा हेलिक्स एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक हेलिकल बट रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें खाली एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाती है, अल्फा हेलिक्स में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट हो जाती है हेलिकली, और ये बना देती है दिस हेलिकल स्ट्रक्चर नोन एज अल्फा हेलिक्स। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं अल्फा हेलिक्स में, इट कंटेन्स सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, इट कंटेन्स सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें होती है, बट ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, ये रिजिड होती है, रॉड लाइक होती है, और ये हेलिकली अरेंज हुई होती है। तो अल्फा हेलिक्स इट कंटेन्स सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। हां जी,
रॉड लाइक ऐसे तो राउंड है। ये राउंड हीलिकली तो है ये, बट इट्स अ रॉड लाइक। रॉड लाइक मीन स्ट्रेट अप है ये, हीलिकली तो है ये, हीलिकली अरेंज हुई है, दिस इज हीलिकली अरेंज्ड, बट इट इज अ रॉड। रॉड मीन्स ये एक स्ट्रेट अप, हीलिकल है बट स्ट्रेट अप है, मतलब ऐसे इसमें कुछ ऐसे बदलाव नहीं आए हैं, ये ऐसे रॉड लाइक ही है, स्ट्रेट अप है बट हीलिकल है, ठीक है। तो ये होती है हीलिकली अरेंज्ड, हीलिकली अरेंज्ड। अब देखो ये अल्फा हेलिक्स जो है, अल्फा हेलिक्स में दो चीजें होती है, या तो अल्फा हेलिक्स बन जाएगा राइट हैंडेड हेलिक्स, या तो ये हेलिकल कॉइलिंग हो जाएगी लेफ्ट हैंडेड। अगर हेलिकल कॉइलिंग हो गई राइट हैंडेड तो उसको हम कहते हैं राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हेलिकली अरेंज होगी, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज, मान लो ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया हेलिकली अरेंजमेंट, बट हेलिकली ये अरेंज होगी बट एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज अरेंज होगी दैट इज राइट हैंडेड हेलिक्स, ऐसे तो दिस इज राइट हैंडेड। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज एनर्जेटिकली मोर स्टेबल, ये एनर्जेटिकली मोर स्टेबल होगी, तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज एनर्जेटिकली मोर स्टेबल, और ये जो लेफ्ट हैंडेड होती है इट इज एनर्जेटिकली लेस स्टेबल, लेफ्ट हैंडेड इज एनर्जेटिकली लेस स्टेबल, इसीलिए मोस्टली अल्फा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ही पाए जाते हैं, ठीक है, लेस स्टेबल। अब देखो ये जो अल्फा हेलिक्स होता है, मान लो कि ये अल्फा हेलिक्स है, दिस इज अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स है, इस अल्फा हेलिक्स को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ऐसे दिस इज आल्सो अल्फा हेलिक्स। तो समझने के लिए मैं अल्फा हेलिक्स को ऐसे दिखाऊंगा, अब मैं ऐसे कॉइलेड इसको नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें दो चार पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो अल्फा हेलिक्स है ये, हेलिकली अरेंज्ड कॉइल है ये। अब इस अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, इसमें कितने अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं पर टर्न ऑफ द हेलिक्स, देखो एक टर्न कितने होती है, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, ये एक एक ट्रफ आ गया और ये एक ट्रफ, दो ट्रफ्स हो गए एक टर्न, टू ट्रफ्स आर वन टर्न, तो यहां तक ये एक टर्न होती है, इस एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, वन टर्न कंटेन 3.6 अमाइनो एसिड्स, कितने 3.6 अमाइनो एसिड्स। देखो अब 0.6 का मसला है, ये 0.6 थोड़ी ही होता है कोई अमाइनो एसिड, देखो 0.6 अमाइनो एसिड ऐसे नहीं, 3 अमाइनो एसिड तो कंप्लीट है, लेकिन जो थर्ड वाला अमाइनो एसिड, मान लो यहां पर एक अमाइनो एसिड, यहां पर दूसरा, यहां पर तीसरा, तीन अमाइनो एसिड तो आ गए कंप्लीट, लेकिन जो चौथा अमाइनो एसिड है उसके उसके 10 पार्ट्स हम कर लेते हैं, कितने पार्ट्स, उसके 10 पार्ट्स हम करेंगे, 10 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स आते हैं एक टर्न में और 4 पार्ट्स आते हैं दूसरे टर्न में, ठीक है। हाँ जी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वन टर्न कंटेन 3.6 अमाइनो एसिड्स, तो एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं 3.6 अमाइनो एसिड्स। हाँ जी, और इसकी पिच डिस्टेंस, अब देखो पिच क्या होती है, पिच मतलब एक टर्न की डिस्टेंस, यहां से लेकर वन टर्न, हेलिकल पिच जो हम कहते हैं, एक टर्न की डिस्टेंस जो लेंथ हम कहेंगे वो कितनी होती है, वो होती है देखो हेलिकल अगर हम पिच कहेंगे तो एक पिच कितनी बराबर होती है, एक पिच मतलब एक टर्न की लेंथ कितनी होती है, वो होती है 0.54 नैनोमीटर्स, कितनी होती है 0.54 नैनोमीटर, तो अगर हम एंगस्ट्रम में चेंज करेंगे कितना आएगा 5.4 एंगस्ट्रम, हाँ, तो हम इसको नैनोमीटर कहेंगे। अब ये है, ये क्या है पिच, इट इज द हेलिक्स पिच, हाँ ये हेलिक्स पिच पूरा होता है, सिर्फ थोड़ा सा होता है दो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच का पिच, दो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच का पिच नहीं होता है, पिच होता है मतलब देखो हम कहते हैं कि दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के
एक टर्न में, पर टर्न में दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या हो गए, देखो ये इसका पॉइंट यहां पर और इसका पॉइंट, मतलब ये दो पॉइंट्स ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है, हम कहते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखो ये क्या है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना। तो यही मान लो दिस इज, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर आप मान लो दिस, यहां पर एक एंगल और यहां पर एक पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है, दीज टू पॉइंट्स आर यहां पर, इनको हम कहते हैं दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज हेलिक्स पिच। ठीक है, तो मान लो सिंपली आप याद रखो कि एक टर्न जो है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, दैट इज कॉल्ड पिच, हेलिक्स पिच। ठीक है, तो वो होती है 0.54 नैनोमीटर्स की। और अगर हम इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5.4 एंगस्ट्रम्स। कितना हो जाएगा, 5.4 एंगस्ट्रम्स। अच्छा तो हिलेक्स पिच होता है 5.4 एंगस्ट्रम या 0.54 नैनोमीटर। अब देखो तो हिलेक्स पिच, बिल्कुल पिच डिस्टेंस तो यही होती है ना, पिच वन टर्न जो है ना, वन टर्न ही एक पिच, जब हिलेक्स पिच हम नापते हैं ना, हिलेक्स पिच ही होता है क्या, हिलेक्स पिच ही एक टर्न होती है, उस टर्न में थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट सिक्स एमएनओ एसिड की नहीं हुआ तो देखो 3.6 एमाइनो एसिड, मतलब एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, वन टर्न कंटेन्स 3.6 एमाइनो एसिड। लेकिन जब हम एक टर्न में डिस्टेंस नापते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं हिलेक्स पिच। क्या कहते हैं उसको, पिच, से पिच मीन्स डिस्टेंस। पीछे। हाँ ठीक, तो हम कहते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव, जो डिस्टेंस आएगी अलोंग द एक्सिस बिटवीन द सक्सेसिव टर्न्स, एक टर्न यहां तक खत्म होती है और उसके बाद क्या होती है, दूसरी टर्न स्टार्ट। तो दो टर्न्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज हिलेक्स पिच। मतलब एक टर्न की डिस्टेंस, उसके बाद जो दूसरी टर्न की डिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगी, तो दिस टर्न की डिस्टेंस इज नोन एज हिलेक्स पिच। अब देखो, अच्छा अब इसमें एक और चीज होती है कि इसके बिटवीन द एमाइनो एसिड्स कितनी डिस्टेंस होती है, दो एमाइनो एसिड्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस होती है। तो अगर ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, अब इनके दरमियान कितनी डिस्टेंस होती है, हम उसको कहते हैं राइज। ठीक है, हम उसको कहते हैं राइज, राइज मतलब बिटवीन द अमाइनो एसिड्स, राइज कितना है, राइज हो गया डिस्टेंस बिटवीन द अमाइनो एसिड्स। तो राइज कितना है, राइज पर रेसिड्यू, हम इसको कहते हैं राइज पर रेसिड्यू, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज राइज पर रेसिड्यू। जैसे कि हम डीएनए में कहते हैं राइज पर बेस पेयर, उसी तरीके से होता है राइज पर रेसिड्यू। तो कितना होता है, राइज होता है 1.5 एंगस्ट्रम, 1.5 एंगस्ट्रम। तो अगर मैं एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं, वो कितना बन जाएगा, 0.15 नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर। ठीक है, ये हो गया। और इसीलिए इसीलिए अल्फा हेलिक्स को दूसरा नाम भी दिया जाता है। क्यों, देखो एक एक और नाम है किसका, अल्फा हेलिक्स का, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का दूसरा नाम है 3.613 हेलिक्स, हम इसको कहते हैं 3.613 हेलिक्स, ऐसे 3.613, फिर हम 13 ऐसे लिखते हैं और हिलेक्स। तो 3.13 हिलेक्स किसका नाम है, इट इज द नेम ऑफ अल्फा हिलेक्स। अब हम क्यों कहते हैं 3.6, 3.6 तो हमें आ गया समझ के, बिल्कुल 3.6 तो एमाइनो एसिड्स होते हैं एक टर्न में, लेकिन एक टर्न में कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं एक टर्न में, थर्टीन वेरी गुड, 13 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं एक टर्न में। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज 3.613 हिलेक्स। इतनी बात क्लियर होगी इसकी, कौन एटम्स जो होते हैं, जैसे कि उसमें हाइड्रोजन एटम है, उसमें ऑक्सीजन एटम होते हैं ना, मतलब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। अगर मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर यहां बना दूं ऐसे, एन एच, एन एच टू, फिर सी, फिर एच, फिर आर, फिर सी ओ, और फिर बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये ओ एच दूसरे अमाइनो एसिड के एच के साथ मिलके क्या बनाता है, NH2 के साथ मिलके क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हट जाता है और यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। एडवांस ठीक, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे ही जब बहुत सारे ये अमाइनो एसिड ज्वाइन हो जाते हैं, तो उनके दरमियान एक टर्न में 3 अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं, तो उन 3 अमाइनो एसिड्स
मैं कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उन अमाइनो एसिड्स के एटम्स, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कितने एटम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द सिंपली एटम्स, 13 एटम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम कहते हैं 3.6 13 एटम्स हेलिक्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन होता है इसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन भी तो होता है, हाइड्रोजन भी तो होता है। यस सर। तो बीटा पैलेटेड में होता है ऑक्सीजन? नहीं, इसमें भी हाइड्रोजन होता है, इसमें भी हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया अल्फा हेलिक्स, अब हम चलते हैं किस पर, बीटा प्लेटेड शीट, ठीक। अल्फा हेलिक्स को तो हो गया, और अल्फा हेलिक्स में अगर एग्जाम्पल देनी हो कि अल्फा हेलिक्स में एग्जाम्पल क्या आएगी, एग्जाम्पल आएगी अल्फा हेलिक्स में अल्फा कैरेटिन, अल्फा कैरेटिन, अल्फा कैरेटिन जो होता है, जो हमारे जिसको बेसिकली एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी होता है ये, तो बेसिकली ये जो प्रोटीन है, दिस अल्फा, जो इस अल्फा कैरेटिन जो प्रोटीन होता है, ये हमारे एपिडर्मिस में पाया जाता है, और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इट कंटेन्स अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब है उसके बाद कौन सा, प्राइमरी अमीनो एसिड किसमें प्रेजेंट रहता है? प्राइमरी मतलब प्राइमरी अमीनो एसिड जो सल्फर सल्फर बॉन्ड है, वो सल्फर सल्फर बॉन्ड, देखो वो सल्फर सल्फर बॉन्ड जो होते हैं ना, वो टर्शियरी में भी पाए जाते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी में भी पाए जाएंगे, ये देखो, क्योंकि एमाइनो एसिड अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, मेथोनीन कहीं पर आ गया, लेकिन अब देखो सल्फर बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दो पॉलीपेप्टाइड चेन होनी चाहिए, अल्फा हेलिक्स में तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहां तो कोई बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, यहां तो सल्फर का बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, तो अगर यहाँ पर दो ऐसे बीटा प्लेटेड शीट्स है, तो बीटा प्लेटेड शीट्स में क्या है, अगर यहाँ पर सिस्टीन है, यहाँ पर मेथोनिन है, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, सल्फर ब्रिज बनाएंगे ना। हाँ जी, अब देखो, अब है बीटा प्लेटेड शीट्स, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दूसरा ये है टाइप, दैट इज बीटा प्लेटेड शीट्स, तो बीटा प्लेटेड शीट्स जो होती है ये ऐसे होती है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, इन्वॉल्व हो जाती है बीटा, बीटा प्लेटेड शीट्स में क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू, हाँ बिल्कुल, बीटा प्लेटेड शीट्स, तो बीटा प्लेटेड शीट्स में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यहां पर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक। अब मान लो ए चेन एंड बी चेन, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेसेस, इनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये आपस में चिपके रहते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीटा प्लेटेड शीट वाला स्ट्रक्चर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू, इनको इस वाले स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज रखेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनमें होते हैं, और ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, मान लो अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड तो है, लेकिन दो चेन्स के दरमियान कौन से बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक। तो ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती है, इसमें दो या दो से ज्यादा भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ज्वाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाती है, साइड बाय साइड खड़ा होके ये एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, और हर किसी स्ट्रैंड को हम बीटा स्ट्रैंड कहते हैं, तो इस वाले को हम बीटा स्ट्रैंड करेंगे, इसको भी हम बीटा स्ट्रैंड करेंगे, तो दोनों बीटा स्ट्रैंड्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, बीटा, एक फुल्ली एक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट, और ऐसा ही लेयर बाय लेयर हो जाता है ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इसमें हमें याद क्या रखना है, बीटा प्लेटेड शीट में इसमें हमें याद रखना है कि बीटा प्लेटेड शीट में कौन, बीटा प्लेटेड शीट में दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बीटा प्लेटेड शीट में दो ओरिएंटेशंस में ये कंबाइन होते हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, या तो ये पैरेलल विद सेम डायरेक्शन, दैट मींस एन, फॉर एग्जांपल ऐसे में एन बाई सी, मैं ऐसे लिखूंगा एन बाई सी, और अगर मैं